तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग फ्री फायर FF मैक्स सेटिंग के ऊपर, जो कि इसमें हमें टोटल 309 ऑप्शन देखने को मिलता है। और ये जो 9 ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे देखो, इसमें हमें ऐसा सेटिंग है कि हमारा जो फ्री फायर नॉर्मल फ्री फायर 6 महीना पहले ही हमारा बैन हो गया, तो उसका भी मजा इस सेटिंग के बदले में आप ले सकते हो। और साथ ही आपका अगर फोन लैग करता है, थोड़ा बहुत भी लैग करता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर कुछ ऑप्शन है ऑफ कर दोगे तो आपको काफी हद तक, यानी कि थोड़ा बहुत तो पहले से अच्छा चलने लगेगा। और भाई, आप अगर फ्री फायर मैक्स खेलते हो और FF मैक्स सेटिंग के ऊपर अगर नहीं जानते हो, तो यार फ्री फायर मैक्स का पूरा फुल मजा नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में इसके ऊपर पूरा फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो इसीलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से तक जरूर से देख लेना, मिस मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके, तो हम लोग FF मैक्स सेटिंग पे जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरीके का हमारा ओपन होता है। और इसके बाद सबसे नीचे हम लोग क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरीके का हमें FF मैक्स सेटिंग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा ओपन होने के बाद सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलता है लॉग इन वीडियो का, और इसको हम लोग ऑन करके रखते हैं और फिर जाकर हम लोग गेम को ओपन करते हैं, यानी कि लॉग इन करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक वीडियो देखने को मिलता था, लेकिन अभी जाकर वीडियो देखने को नहीं मिलता है। फ्री फायर मैक्स की तरफ से वो वीडियो हटा दिया गया है। तो आप ऑन करके लॉग इन करके देखना क्या आप में वीडियो चलता है। अगर चलता होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इसको ऑफ रखते तो यहाँ पर लॉगिन करते समय वीडियो नहीं चलता है। तो अभी तो ऑफ रखो या ऑन रखो कोई दिक्कत नहीं, एक ही देखने को मिलता है। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है लोवी स्टाइल का ऑप्शन। इसमें भी हमें दो ऑप्शन मिलता है, क्लासिक और डायनोमिक का। तो इसको अगर आप डायनोमिक करके रखते हो, तो उसके बाद आप अगर गेम को कट करके दोबारा ओपन करते हो, तो यहाँ पर देखो लोवी आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। पीछे का लोवी, यहाँ पर आपको बोर्ड भी देखने को मिलता है, बाइक वगैरह पीछे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और लॉबी को आप घुमा भी सकते हो, इसी में इधर उधर गोल घुमा सकते हो। लेकिन इसके बाद आप अगर यहाँ पर आकर इसी को लॉबी स्टाइल को क्लासिक कर दोगे, और उसके बाद आप फ्री फायर को कट करके दोबारा से ओपन करोगे, तो कुछ इस तरीके का हमारा पुराना फ्री फायर जैसा लॉबी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही काम है लॉबी स्टाइल का ऑन अप करने में। तो यहाँ पर हम लोग ऑन कर देते हैं, क्योंकि लॉबी स्टाइल ऑन करने में बहुत ही अच्छा दिखता है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है ऑडियो स्टाइल का ऑप्शन। इसमें भी क्लासिक और न्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर न्यू पर रखेंगे, तो यहाँ हमारा चलने दौड़ने का आवाज के साथ साथ यहाँ पर आप जब फायर करते हो तो इसका भी साउंड चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो कैसा साउंड आपको सुनने को मिल रहा है। आप कोई भी गन से फायर करते हो तो आपको फ्री फायर मैक्स यानी कि थोड़ा अलग आवाज साउंड देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर सुन सकते हो। तो ऑडियो स्टाइल का न्यू करने पर यहाँ पर गोली का साउंड, उसी के साथ में आपका रनिंग का साउंड भी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आकर ऑडियो स्टाइल को क्लासिक कर देंगे, उसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे गेम में, तो आपका जो रनिंग का साउंड इफेक्ट है और साथ ही आपका गन का जो साउंड इफेक्ट है चेंज हो जाएगा, जैसे कि हमारा पुराना फ्री फायर था वैसा ही सेम हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यही काम है हमारा ऑडियो स्टाइल का। तो यहाँ पर हमें ऑडियो स्टाइल पुराना जैसा ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम लोग क्लासिक ही रहने देते हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है डिस्प्ले ईयर ऑन लॉबी, और इसको हम लोग अगर ऑन करके रखते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर देखो, आप अगर यहाँ पर किसी को फ्रेंड को आप बुलाओ, तो आपका फ्रेंड का FF मैक्स सेटिंग में ये वाला ऑप्शन ऑन रहेगा। उसको बुलाओगे तो उसको लॉबी में आपका लॉबी दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर बुलाए हो तो इसको आपका लॉबी उसको दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पर आकर आप अगर इसको ऑफ रखोगे, तो आपका फ्रेंड अगर ये सेटिंग भी ऑन रखता है तब भी आपका लॉबी आपको फ्रेंड को दिखाई नहीं देगा। अगर पूरा समझ में नहीं आई होगी तो यहाँ पर देखो डिस्प्ले टीम लीडर्स लॉबी देखने को मिलता है फिर से हमें। तो इसको आप अगर ऑन रखते हो और सामने वाला बंदा या आपका फ्रेंड जो भी हो वो अगर ये वाला सेटिंग ऑन रखेगा, तब जाके आपका वो फ्रेंड आपको अगर इनवाइट करेगा, जैसे कि एक फ्रेंड को देखो मैं वैसा बोल दिया हूँ और यहाँ पर मेरा ऑन है, तो यहाँ पर वो मेरे को फ्रेंड बुला रहा है और यहाँ पर पहले से मेरा लॉबी देखो कैसा है, तो मैं चलो उसका लॉबी में चलता हूँ, वो मेरे को इनवाइट किया, मैं चला गया, यहाँ पर देखो मैं इसके साथ आ गया, तो इसका लॉबी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है और मेरा लॉबी गायब हो गया। तो यही काम करता है डिस्प्ले टीम लीडर्स लॉबी, अगर आप ऑन करके रखते हो तो। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे, तो उसके बाद आप जाओगे तो आपका फ्रेंड का लॉबी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, आपका ही लॉबी दिखाई देगा। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है एनिमेशन का ऑप्शन। इसमें भी हमें क्लासिक और न्यू का ऑप्शन मिलता है। अगर आप एनिमेशन को न्यू करके रखते हो, उसके बाद आप गेम में जाओगे, तो यहाँ पर जब रनिंग करोगे तो रनिंग का स्टाइल थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा अलग डिफरेंट देखने को मिलेगा। उसी के साथ में आप कोई भी गन फायर करके रिलोड करोगे तो उसका भी एनिमेशन थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और ज्यादा अच्छे से यहाँ पर शॉट गन का रिलोड देख सकते हो, कैसे रिलोड कर रहा है, तो ऐसा टाइप के आपका रिलोड देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पर एनिमेशन को आकर यहाँ पर क्लासिक कर दोगे, तो हमारा जो नॉर्मल फ्री फायर था वैसा ही आपको देखने को मिल जाएगा इसका एनिमेशन। यहाँ पर देखो नॉर्मल फ्री फायर जैसा
दौड़ने का स्टाइल हो जाएगा। उसी साथ में आप फायर करके जब रिलोड करेंगे तो नॉर्मल फ्री फायर जैसा हमारा रिलोड होगा कोई भी गन। यहाँ पर आप एक बार शॉर्ट गन भी देख लो, नॉर्मल फ्री फायर जैसा रिलोड होगा। तो यही सब काम होते हैं एनिमेशन का। तो यहाँ पर आप क्या रखना चाहोगे, क्लासिक या फिर न्यू? मैं तो यहाँ पर क्लासिक ही रखना चाहूंगा। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है विजुअल इफेक्ट। तो इसको आप अगर ऑन करके रखोगे तो यहाँ पर देखो, आप जब गेम खेलने जाओगे कोई भी क्लास स्क्वाड क्लासिक कोई भी गेम मोड में, तो हमारा गेम में जो भी जोन रहे यानी कि जोन घेरेगा, तो उसके बाद हमें जोन में कुछ बिजली दिखाई देगा जो कि कड़कता हुआ कभी कभी दिखाई देगा। देख सकते हो यहाँ पर लगता है तूफान आने वाला है। मजाक कर रहा हूँ यार, तूफान नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें बिजली वगैरह का इफेक्ट देखने को मिलता है कुछ इस टाइप का, जो कि जोन में आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके बाद आप यहाँ पर आकर इसको अगर ऑफ कर दोगे तो फिर उसके बाद आप अगर गेम खेलोगे तो उसमें आपको हमारा जो पुराना फ्री फायर की तरह कोई भी बिजली वगैरह कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप भी अगर बिजली से डरते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऑफ कर देना है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है HD टेक्चर, और इसमें भी हमें दो ऑप्शन मिलता है, एक ऑन का और एक ऑफ का। तो यहाँ पर आप अगर इसको ऑन करके रखोगे तो HD टेक्चर यानी कि कोई भी गेम में वगैरह भी सामान देखोगे, घर वगैरह देखोगे, तो आपको थोड़ा क्वालिटी का देखने को मिलेगा, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा, यानी कि ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता है। और अगर इसको ऑफ कर दोगे तो उसके बाद आपको तो नॉर्मल दिखाई देगा, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस दिखाई देगा और क्या। और उससे भी ज्यादा आपको अगर कोई फर्क दिखता है तो हमें कमेंट करके बताओ। और उसके बाद यानी कि सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलता है व्हीकल इफेक्ट, और इसमें भी हमें ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। तो इसको आप अगर ऑन कर देते हो उसके बाद आप अगर गेम में कोई भी गाड़ी अगर लेकर चलाते हो तो जब आप चलाओगे यानी कि पिकअप दोगे तो वहां पर आपका धुआं जैसा कुछ धुरा उड़ेगा रास्ते पर से, जो कि आप यहां पर देख सकते हो धुरा उड़ेगा उसमें से। और साथ ही आप कहीं भी गाड़ी को रोकते यानी कि ब्रेक मारते हो तो यहां पर देखो मैंने ब्रेक मारा तो यहां पर टायर का निशान उठ जाएगा पीछे, जो कि आप यहां पर देखो टायर का निशान उठ गया। तो यही है व्हीकल इफेक्ट का काम ऑन करोगे तो। और उसके बाद आप यहां पर आकर इसको ऑफ कर दोगे और फिर जाओगे गेम में और कोई भी गड्डी वगैरह उठाकर चलाओगे तो आपका कोई भी धुरा रास्ते से नहीं उड़ेगा। और साथ ही आप अगर ब्रेक मारोगे, कितना भी ब्रेक मारो, आपका टायर का निशान कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो इसमें आप एक चीज नोटिस करो, FF मैक्स में हमारा जो ऐसा सेटिंग है ये सब अगर ऑफ करके रखोगे तो हमारा जो पहले का पुराना फ्री फायर था उसका मजे ले सकते हो 90% हद तक। और यहाँ पर आप अगर ऑन करके रखते हो तो FF मैक्स यानी कि फ्री फायर मैक्स का मजे ले सकते हो। तो आई होप कि आपको FF मैक्स सेटिंग के ऊपर पूरा फुल डिटेल्स में पता चल गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और साथ ही आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में नीचे जरूर बताना। हाँ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।